We will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. कोई कदम, कोई बुनियादी कदम, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहमान के बगैर. भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है. सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है. चार और पांच जुलाई 1977 की दरमियानी शब फौजी क्यादत ने जमहूरियत की बसात लपेट दी. अगले रोज वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और अपोजिशन इतिहाद PNA के दरमियान नए इंतखाबात के लिए मुआहदे पर दस्तखत होने वाले थे. अपोजिशन की राइट विंग पार्टियों ने 77 के इंतखाबी नतायज मुस्तरद करके भुट्टो के खिलाफ तहरीक का आगाज कर रखा था. इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इख्तदार पाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज इन्हराफ नहीं करूंगा. आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होगी. बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज करने वाले आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को गिरफ्तार करके उन्हें एक मुतनाज़े मुकदमे कत्ल में मुलव्वस किया और बिलाखर उस भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया जिसने साम्राज्यत को ललकारते हुए इस्लामी मुमालक का तलाक बनाने की जिदोजहद शुरू कर रखी थी. शाम, इराक, लेबनान, मोरक्को, मराकश, अल्जीर सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं. ऐ खुदाया, मैं कैसे आवाम का फैसला मैं कर सकता हूँ? अगर जनाब आपको मंजूर है, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्म में जाए, तो फिर जन्म में जाए. 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के नतीजे में पूरी कौम को यरगमाल बना लिया गया. औरतों, बच्चों, मजदूरों, किसानों, वकीलों, दानिश्वरों, सहाफियों, सियासतदानों, सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक के अलमबरदारों से जेलें भर दी गईं. कैद, कोड़े और फांसी की सजाएं कौम का मुकद्दर बन गईं. प्रेस की आजादी सल्ब कर ली गई, लोगों के होंठ सी दिए गए. बे इंसाफों को इंसाफ की मसनद पर बिठाकर इंसाफ का मुंह चढ़ाया गया. वो सोशल डेमोक्रेसी पर बहुत यकीन रखते थे, जिधर हर आदमी के पास एक्सेस होता था हेल्थ फैसिलिटीज के, एजुकेशनल वेलफेयर फैसिलिटीज के और एक वेलफेयर स्टेट. वो पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर स्टेट कायम करने चाहते थे. जनरल जियाउल हक और उसके साथियों ने कौम को बंदूक की नोक पर कायदे आजम के पाकिस्तान की बजाय उस पाकिस्तान और उस दो कौमी नजरिए से मुतारफ कराने की कोशिश की जिसकी अमरियत को जरूरत थी. 5 जुलाई 1977 को नमूदार होने वाली काली रात का जादू तो 11 साल बाद टूट गया, लेकिन उस मनहूस रात की स्याही अभी बाकी है. बेशक हम उस दौरे यजीदियत के साए से आज भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल सके. खबर नईम हाशमी, जियो न्यूज, लाहौर. इनको सियासत की कोई समझ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ओ खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इख्तदार दो.